सुरक्षा मेरा मास्क कार्यक्रम का आयोजन इंदौर शहर की विभिन्न चौराहे पर किया गया, जहां मुख्य आयोजन राजवाड़ा पर हुआ, जहां मास्क जागरूकता को लेकर 2 मिनट के लिए सायरन भी बजाए गए। वैसे तो यह आयोजन इंदौर शहर की कई चौराहों पर हुआ, किंतु राजवाड़ा स्थित आयोजन में संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, आईजी हरि नारायण चारी मिश्र, डीआईजी मनीष कपूरिया, विधायक आकाश विजय वर्गीय मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में मास्क लगाने को लेकर सभी को शपथ भी दिलवाई गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत वाहनों के सायरन भी 2 मिनट के लिए बजाए गए। इस दौरान जहां पुलिस अधिकारियों ने सभी को मास्क लगाने की बात कही, तो वहीं कलेक्टर मनीष सिंह नर भी शहरवासियों से अपील की कि मास्क लगाने के साथ ही सैनिटाइजर अपने पास रखें और सभी से दूरी बनाए रखें। उन्होंने कार्यवाही को लेकर भी जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन विधायक आकाश विजय वर्गीय ने किया और सभी के साथ मिलकर राजवाड़ा के सामने दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रंगोली से गोले भी बनाए। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर आगामी 7 दिनों तक हर दिन 2 बार यानी कि सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे गाड़ियों के सायरन बजाए जाएंगे। और निर्देश के आज से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगले सप्ताह 7 दिन तक प्रतिदिन 11 बजे 7 बजे सायरन बजेगा। उसका मकसद ये है कि लोग जागरूक हों कि मास्क कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए। आज के समय में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हैं, इंदौर भोपाल में भी पकड़ डेली बढ़ रहे हैं, इसमें वैक्सीनेशन और मास्क, सही तरीके से मास्क का उपयोग और वैक्सीनेशन दो ही ऐसा है जो लोगों को बचा सकता है कोविड वायरस इन्फेक्शन से। उस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए लिखित में होम डिपार्टमेंट से जो जारी हुए कि 7 दिन तक प्रति डेली 11 बजे 7 बजे सायरन बजे, और ताकि लोग जागरूक हो सकें कि उन्हें मास्क लगाया कि नहीं लगाया, ठीक ढंग से लगाया कि नहीं लगाया। आज से प्रशासन को सख्ती भी करेगा, जो मास्क नाक पे अथवा मुंह पे लगा के रखते हैं उनको हम लोग ये मानेंगे कि मास्क नहीं लगाया उसको, और उसमें उनको अर्जेंट लगाया जाएगा 200 रुपये का। जो मास्क नहीं लगाए पाए जाएंगे उनको 400 रुपये का अर्जेंट होगा। मास्क को लगाने का तात्पर्य ये है कि आपकी नाक और मुंह दोनों ढकी रहे, नहीं तो न केवल वो व्यक्ति स्वयं को खतरे में डाल रहा है बल्कि खुद भी संक्रमित होकर के समाज के अन्य लोगों को, अपने परिवारजनों को संक्रमित कर रहा है, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इस कारण से आज ये कार्यक्रम के साथ साथ प्रशासन अपने लेवल पर जो ऑर्डर कल हम लोगों ने किए हैं 144 में, उनको सख्ती भी करने जा रहा है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर माइक्रो लेवल पर किस तरह की प्लानिंग की जाएगी ताकि अधिकांश लोग जागरूकता के साथ आगे होकर वैक्सीनेशन का लाभ है इस कोरोना की, कि सभी लोग मास्क लगा करके रहें। यदि हम मास्क लगा करके घूमेंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, कोई कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी प्रकार के लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं रहेगी, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से, मास्क लगाने से। तो मेरा आपके माध्यम से सभी इंदौर वासियों से, प्रदेश देशवासियों से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि सभी लोग मास्क लगाएं ताकि कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी स्थिति ही नहीं बन पाए और सभी लोगों के काम धंधे अच्छे से चलें, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। तो व्यापारियों ने आपसे इस बात की जानकारी भी दी थी कि व्यापारी प्रभावित नहीं? देखिए, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि की, किसी भी व्यक्ति की कभी भी ये मंशा नहीं रहती है कि कर्फ्यू लगे, लॉकडाउन लगे। मगर यदि हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे, कोरोना के आंकड़े बढ़ेंगे, अस्पताल फुल हो जाएंगे, तो फिर कंट्रोल करने के लिए सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे, सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए सरकार को कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे मेजर्स लेना पड़ते हैं। मगर यदि हम सभी मास्क लगाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपके माध्यम से एक बार पुनः मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि प्लीज़ मास्क लगा कर ही रहें, हमेशा मास्क लगा। अच्छा जी, आज सायरन बजे हैं, गोले बनाए गए हैं, किस तरह से ये इनोवेटिव प्रयास है? ये एक जन जागरण का अभियान है, अवेयरनेस कैंपेन था, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर हमने सायरन बजाए, हर जगह पर कोई ना कोई जनप्रतिनिधि गया और जनता और सरकार के बीच में एक इंटरैक्शन स्थापित किया। सभी को निवेदन किया कि वे मास्क ज़रूर लगाएं ताकि हम सब सुरक्षित रहें, हमारे व्यापार व्यवसाय अच्छे से चलते रहें, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे।